अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दादरी विधानसभा घेराव के दौरान कर्मचारी लाठीचार्ज को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सरकारी विभाग के कर्मचारियों की मीटिंग कर शहर में रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों पर एस्मा लगाकर अधिकारियों का हनन करने व उनकी आवाज़ दबाने का विरोध भी किया। प्रदर्शन के बाद डीसी को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपकर कर्मचारियों की मांगे पूरी करने व दल मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही अल्टीमेटम दिया गया कि उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो इस बार आर पार की लड़ाई लड़ते हुए प्रदेश के कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार धिकाड़ा की अगुवाई में सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दादरी के रोज गार्डन में एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद शहर में रोष प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लें, इसके साथ साथ उनकी विभिन्न मांगों को भी पूरा करे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान कर्मचारियों पर लाठी चार्ज की भी निंदा की। अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की वे प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। महिला नेत्री शर्मिला हुड्डा ने कहा कि विधानसभा कूच के दौरान सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया गया। जिस तरह से बीजेपी अपनी मनमानी पर उतारू है, एस्मा जैसे नियम लागू करके कर्मचारियों के अधिकार का हनन कर रही है, हम चुप नहीं बैठेंगे और 18 सितंबर को जिला मुख्यालय पर जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। आज जो हमारा ये प्रदर्शन है, इसका जो 10 तारीख ने चंडीगढ़ के अंदर हमारा है ना विधानसभा का घेराव था, उसके अंदर पहले से ही हमारी लीडरशिप ने है ना वहाँ पर बताया हुआ था कि हम है ना विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन सरकार ने जब वहाँ पर लाखों कर्मचारी इकट्ठे थे और बिल्कुल शांत माहौल में वो चला हुआ था प्रदर्शन, तो सरकार ने पहले से ही कोई रणनीति ऐसी बनाई हुई थी कि कर्मचारियों के ऊपर बिल्कुल शांत वातावरण में जो प्रदर्शन हो रहा था, उसके बावजूद हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो लाठी चार्ज किया, जो उन्होंने हवाई फायरिंग किए और उनके ऊपर है ना पानी की जो बछावर की, और एक हमारी महिला साथी जो जज्जर से मिड डे मील की महिला है, उनके ऊपर अकेली के ऊपर बिल्कुल उनको अच्छी तरह घेर करके रोड के ऊपर उनके ऊपर लाठियां चार्ज की हैं, इसका विरोध हमारा हर कर्मचारी के अंदर पूरे का पूरा है ना हमारे अंदर इसमें है ना रोष है। और हम सरकार को खुले तौर से ये कहना चाह रहे हैं, या चाहे वो कितने अशमा लगाए, कितना भी हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर ले, हम कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। 10 तारीख को हमारा जो शांतिपूर्ण आंदोलन जो चंडीगढ़ में विधानसभा का कूच था, हमने वहाँ लाखों की संख्या में हमारा कर्मचारी 2 घंटे तक धूप में वहाँ बैठा रहा। वहाँ सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया, नहीं सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आया। हमारे सबर के बांध का वो सबर लेते हुए हमने वहाँ लगातार 5 बजे तक प्रशासन की इंतजार किया, परंतु वहाँ प्रशासन ने हमारे ऊपर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को पानी की बौछारें छोड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज की। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आज पूरे प्रदेश में पूरे जिला हेडक्वार्टर पर आज ये इनके विरोध दमन प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जायज मांगों को लागू करे, अन्यथा हम पूरे प्रदेश में पूरे गांव-गांव जाकर सरकार की पोल खोल कर इसके पोल खोल अभियान करेंगे। और आने वाले 18 तारीख को हमारा कर्मचारी पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जेल भरो आंदोलन करेगा। दादरी से अनिल लहरी की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।